नमस्कार, मैं एसके मंडल, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है आईएससी सेकेंड ईयर का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग दो क्लास इंट्रोडक्शन के तौर पर दे चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से एलपीपी और जो है बुक का सवाल बनाएंगे एनसीईआरटी 12.1। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जेड का मैक्सिमम मान निकालना है 3x + 4yp। ये दिया हुआ है x + 4y < 4, x > 0, y > 0। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख देंगे जेड मैक्स इज इक्वल टू 3x + 4y। उसके बाद जो है नीचे लिखा हुआ है x + y < 4। इसको एक कर देना है, ऊपर मैक्सिमम वाला को एक नहीं करना। उसके बाद लिखा हुआ है x > 0, y > 0। इसको कुछ नहीं करना, खाली इसको एक बनाना है। इस तरह का और एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको दो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह दिया रहेगा, इसका मतलब ही है ग्राफ फर्स्ट में बनेगा, क्योंकि ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट में। इस तरह का रहेगा, इसलिए हम लोग बोल देंगे ग्राफ इज फर्स्ट, ग्राफ इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो है हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग वन इनटू इक्वेशन। इसका हिंदी हुआ एक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदल रहे हैं x + y = 4। जितना रहेगा दाहिने तरफ उतने से भाग देना है, डिवाइड कितना से, 4 से, और साइड दोनों साइड। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं x/4 + y/4 = 4/4 कट जाएगा, यानी यहां से मेरा आएगा x/4 y/4 = 1। इस तरह का जैसे ही मेरा मान आ जाएगा, इसकी सहायता से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ग्राफ कैसे बनाना है, पहले x एक्सिस ले लेना है, फिर y एक्सिस ले लेना है। इसका नाम है x एक्सिस, इसका नाम है y एक्सिस। देखो तो ग्राफ मेरा फर्स्ट में बनेगा, इसका मतलब यहाँ ग्राफ मेरा बनेगा, इधर इधर नहीं बनेगा। ठीक, तो मैक्सिमम जो होता है x के नीचे 4 है, y के नीचे 4 है, यानी x में 4 को काटेगा, y में 4 को काटेगा। नंबर ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो है x के x एक्सिस में 4 को काटेगा, 4 लिख देना, y एक्सिस में 4 काटेगा, 4 को लिख देना, 4 4 को मिला देना, एक नया लाइन हो गया। इसका नाम a दे देना है, इसका नाम b दे देना। इसका कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस में है इसलिए 4 0, y एक्सिस में है इसलिए 0 4। अब जो है क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन अगर इसे घुमा जाएगा बाहर तरफ, बायां हाथ का प्रयोग होगा तो यहां दाहिना हाथ वाला का प्रयोग करना, अगर क्वेश्चन इधर घुमा हुआ रहता तो उधर जाता, उल्टा ऐसा रहेगा, बाहर तरफ रहेगा तो अंदर तरफ होगा, और अंदर तरफ रहेगा बाहर तरफ होगा। पॉजिटिव के लिए देखिए इसको अंदर तरफ कर देते हैं, यहाँ बाहर तरफ है, बाएं हाथ का प्रयोग होगा तो दाएं हाथ का प्रयोग कर देना, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा। तब मेरा जो यहाँ से फोटो बन गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन एरिया, इसलिए COMMA कॉमन एरिया, मतलब कौन ऐसा जगह जिसको हम लोग छायांकित किए हैं, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, OAB। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन में ही दिया है जेड का मैक्सिमम मान 3x + 4y, तो यहाँ लिखेंगे जेड मैक्स बराबर 3x + 4y। देखो तो सबसे पहले O पर निकालें, O का मान है 0 0, यानी लिखेंगे 3 × 0 + 4 × 0, यहां से मेरा मान जाएगा 0 + 0 = कितना हो गया 0। अगला है A पर, A का मान दिया हुआ है यहां पे, कितना आया तुम्हारा A का 4 0, यहां लिखते हैं 4 0, यानी बैठेंगे यहां पे, इसमें बैठना है इसमें, तो 3 × 4 + 4 × 0 = हो जाएगा 3 4 12 + 0 = 12। अगला आएगा B पर, B का मान दिया हुआ है 0 4 0 4, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 0 + 4 × 4, तो यहां से मेरा मान दे देगा 3 × 0 = 16। अब इस तीनों में देखो तो सबसे अधिक कौन तो है, 0 2
इसलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया जेड मैक्स बराबर 16। देखो तो सबसे अधिक है 16, इसलिए 16 आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है जेड का मिनिमम मान निकालना है -3x + 4y। ये इस पर जैसे हम बेंच पर खड़े हैं या टेबल पर खड़े हैं या धरती पर खड़े हैं, ये मतलब इस पर निकालना है। किसका निकालना है? इसका निकालना है, इसका निकालना है। दिया हुआ है x + 2y < 8, 3x + 2y < 12, x > = 0, y > = 0। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देना है, पहला इक्वेशन को 1 दे देना है, दूसरा इक्वेशन को 2 दे देना है। और ये दोनों का मतलब हमेशा होगा, इसका मतलब ये है ग्राफ फर्स्ट घर में बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, तुमको कुछ नहीं सोचना है। तो हम लोग लिख दिए इसको 1, इसको 2, इसका मतलब है फर्स्ट में बनेगा। अब मेरा काम है 1 और 2 को समीकरण में बदलना। यहां लिख देते हैं कन्वर्टिंग 1 and 2 इनटू इक्वेशन, इसका हिंदी हुआ समीकरण 1 और 2 को समीकरण में बदलने पर इनटू इक्वेशन। तो इक्वेशन में बदल रहे हैं, दोनों को अलग अलग बदल देंगे। पहला वाला कितना है x + 2y = 8, दूसरा वाला है 3x + 2y = 12। बहुत ही आसान है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नजर से, इससे क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स। हर एक साल पूछता है और हर एक साल पूछेगा और इस तरह का क्वेश्चन हूबहू उठा कर जाएगा। 1 नंबर भी आया है एग्जाम में, 2 नंबर भी आया है, 3 नंबर तो भी आया है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। जो भी रहेगा उतना से भाग देना है, यानी कि इतना से डिवाइड 8 से, यानी x/8 + 2y / 8 बराबर हो जाएगा 1/8। काटो 2 4 8 x/8 + y / 4 = 1, ये मेरा समीकरण निकला। अगला कितना से भाग देना है 12 से, तो यहां लिख देंगे डिवाइड कितना से 12 से, तो 3x/12 + 2y / 12 = 12 हो गया 12/12। काटो 2 6 12 3 4 12 यानी x/4 + y/6 = 6 यानी 6 = 1। इसका मान मेरा जो निकला x/something y/something, सिंपल बात है। यहाँ ग्राफ बना देंगे हम लोग का मूल कर्तव्य है ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना इस सबका कोई जरूरत नहीं है। तो x हो गया x' दे देना, ये y हो गया y' दे देना, इसका मान है 0 0, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है मैक्सिमम कितना नंबर तक गया है, इसमें 8 तक गया है, तो 2 2 का अंतर ले लो या 1 1 का भी अंतर ले सकते हैं। तो यहां लेगा 2 4 6 8, 1 1 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी लेंगे 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। अब मेरा क्वेश्चन उठता है x के नीचे 8 है तो x को 8 में काटेगा, 8 में काटेगा। y के नीचे 4 है तो y को 4 में काटेगा। पहले एक तो का काम कर लेंगे तब दूसरा पहले इसको मिलाते हुए फिर से, तो इसका नाम हो जाएगा a 8 0, इसका नाम हो जाएगा b 0 4। एक तो काम हो गया। अब दूसरा पे आते हैं x के नीचे 4, x के नीचे 4, y के नीचे कितना 6, y के नीचे 6, यानी y को दोनों को मिलाते हुए खींच देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा c, इसका नाम हो जाएगा d। तो c के लिए हो जाएगा 4 0 और d के लिए हो जाएगा 0 6। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, तुम्हारा कुछ भी नाम नहीं है तो नया p q l m n कुछ भी दे दो। अब मेरा क्वेश्चन उठता है कौन सही है और कौन गलत है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग सोचेंगे पहला वाला किधर जा रहा है, बाहर तरफ जा रहा है पहला वाला, तो पहला वाला अंदर तरफ जाएगा। पहला कौन सा है, a और b, ये अंदर आएगा, ये एक नंबर है तो a को किधर, अब जो है दूसरा नंबर को देखते हैं, ये भी बाहर तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये भी अंदर आएगा, तो ये दूसरा नंबर c और d है,
तो यहाँ दो और तीर तीर देना, तीन को नहीं, अगर तीन को एक क्वेश्चन आता तीन को तीर देते, यहाँ पे आप लोग दो तीर देंगे। तो अब देखेंगे कौन ऐसा जगह है जहां दोनों घर जा रहा है। देखेंगे ये जगह अगर हम देखते हैं तो एक नंबर वाला आ रहा है, दो नंबर वाला जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये घर नहीं होगा। ये जगह देखेंगे दो नंबर वाला आ रहा है, एक नंबर वाला नहीं जा रहा है, तो ये भी घर नहीं होगा। यहाँ देखेंगे एक नंबर वाला भी आ रहा है और दो नंबर वाला भी आ रहा है, ये दोनों कॉमन है। ये जगह जहाँ दोनों जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कॉमन और उसको छायांकित कर देना। ये रहा मेरा कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया का नाम बोलेंगे ओ सी पी बी, इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉमन एरिया। एरिया ओ सी पी बी, ओ सी पी बी ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, अगर इसको छायांकित नहीं किए तो ओ सी पी बी, जिसको छायांकित करने में दोनों का सहयोग हुआ हो। इसके बाद हम लोग आते हैं कि सब किसका किसका मान नहीं मालूम है, जरा देखें तो किसका किसका इसमें मान नहीं मालूम है। तो इसमें ओ का मान मालूम है, सी का मान मालूम है और बी का मान मालूम है। किसका मालूम नहीं है, पी का मान मालूम नहीं है। पी कौन कौन रेखा से मिलकर बना है, एक नंबर और दो नंबर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक और दो को सॉल्व कर देंगे। एक में था x प्लस टू वाई बराबर एट, ये समीकरण एक, और दूसरा में था 3x प्लस टू वाई बराबर 12, 12। अब दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, घटा देंगे, किसी भी तरह से इसको मान निकालेंगे, सब करते हैं, सब ट्रैक्ट घटा देते हैं, ये कट गया, यहाँ से बचेगा मेरा माइनस टू एक्स बराबर, बारह में से हट गया माइनस चार, माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर हो जाएगा चार बटे दो, कट गया कितना निकला दो, तो एक्स का मान दो निकला, किसी में रख दो वाई निकल जाएगा। समीकरण एक या दो से जिसमें तुमको अच्छा लगे, एक्स प्लस टू वाई बराबर एट है, तो हम लोग एक्स का मान डालेंगे टू प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, टू वाई बराबर हो जाएगा एट माइनस टू, यानी टू वाई बराबर हो जाएगा सिक्स, वाई बराबर हो जाएगा सिक्स बटे टू, यानी वाई बराबर हो जाएगा थ्री। तो मेरा एक्स का मान भी निकल गया, वाई का मान भी निकल गया, एक्स का मान यहाँ और वाई का मान लिख दीजिए टू और थ्री। इसका मतलब हमको ओ भी मालूम है, सी भी मालूम है, पी का मान मालूम कर लिया गया, अब क्या बचा, बी का भी मालूम है। तब हम लोग लास्ट में लिखेंगे जेड का मैक्सिमम मान कितना पर बोला था, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई। तो हम लोग लिख देंगे अंतिम में जेड का मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई पे बोला था। तो सबसे पहला काम है आपका ओ है, ओ के लिए कितना है जीरो जीरो, तो यहाँ लिख देंगे जीरो जीरो, इसका मतलब माइनस थ्री गुना जीरो प्लस चार गुना जीरो इक्वल टू हो गया जीरो प्लस जीरो दैट मीन्स जीरो। अगला है ओ के बाद ए सी है, सी का मान कितना दिया हुआ है चार जीरो, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस तीन गुना चार, यहाँ पे डालना है माइनस तीन गुना चार प्लस चार गुना जीरो, तो माइनस बारह प्लस जीरो इक्वल टू हो गया माइनस बारह। फिर अगला आएगा पी का मान, पी का मान है दो जीरो, दो जीरो के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस तीन गुना दो प्लस चार गुना जीरो, तो माइनस छह प्लस जीरो इक्वल टू माइनस छह। अब हम लोग आएंगे उसके बाद पी का मान निकालेंगे, तुम्हारा टू टू जीरो, ये मेरा निकल गया ओ का, इसके बाद निकल गया सी का, सी का अब हम लोग निकालेंगे इसका पी के लिए, तो जेड के लिए आएगा तुम्हारा टू थ्री, तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू थ्री, तो यानी मेरा यहां से माइनस छ प्लस बारह इज इक्वल टू छ। आइए इसका भी मान निकल गया, लास्ट में बचा कितना जीरो फोर, जीरो फोर का मतलब हो गया पहले बढ़ाएंगे माइनस तीन गुना जीरो प्लस चार गुना चार इक्वल टू हो गया जीरो प्लस सोलह इक्वल टू हो गया सोलह। अब देखो क्वेश्चन में सबसे कम मान कौन सा है, अगर मैक्सिमम मान मांगेगा तो मैक्सिमम वाला आंसर अधिक होगा और मिनिमम मान मांगेगा तो कम वाला आंसर। तो चारों पर निकालना था, ओ पर, सी पर, पी पर, बी पर। ओ पर हो गया, ये सी पर हो गया, ये पी पर हो गया, ये बी पर हो गया, सबसे अधिक वाला मैक्सिमम, सबसे कम वाला मिनिमम। क्वेश्चन में मांगा था मिनिमम, तो मिनिमम होता है सबसे कम माइनस, तो आंसर हो गया कितना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जेड मीन
बराबर कितना आंसर -12। क्वेश्चन नंबर 3 में z का मैक्सिमम मान निकालना है 5x प्लस 3y पर सच दैट 3x प्लस 5y लेस देन 15 यानी 15 से भाग देना है इसको 10 से भाग देना है। ये इसमें भी ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 15 से भाग देना 10 से भाग देना, x के नीचे जो होगा x में कटेगा, y के नीचे जो होगा y पे, पहला वाला खींच लेना फिर दूसरा वाला आता है, x के नीचे जितना आएगा x के नीचे, y वाला जितना आएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो कॉमन आएगा उसका मान निकाल देना, ये आंसर हो जाएगा। इसको होमवर्क पर बना के देखना, हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे फिर।